बचिम रही असल कैसे आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे मज़े में होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुशहराबाद होंगे अल्लाह ताला आप सबको अपने हिज़ु अमान में रखे आमीन तो यहाँ पर जो मेरे तो बाबा ने जाना था आजकोट तो मामा जो है ना उनके कपड़े प्रेस कर रही हैं तो मेरे बाबा ने ना यूनिफाम के लिए अपनी पेंट जो है वो बाई की है मुनार्क से कल जो है ना बाबा ने, ने शर्ट और टाईट जो है वो बाई की थी यूनिवर्स से लेकिन एक पेंट जो है वहां जो बाई किया तो मामा उनके कपड़े प्रेस कर रही हैं बस जी छुट्टियाँ ही नहीं हो रही ना बाबा लोगों को हो रही हैं ऑफिस से और ना ही हमें हुई हैं अभी तक स्कूल से हालांकि ईद जो है अब इतनी करीब आ गई है इन्होंने एक दो छुट्टियाँ तो इन्हें देनी चाहिए थी है ना मामा हाँ बस लेकिन वो क्योंकि तीन छुट्टियाँ तो फिर भी देते हैं ना ईद पे नेक्स्ट डे ईद के और उसके बाद ईद के थर्ड डे भी छुट्टी होती है तो हो सकता है इंशाल्लाह कल तक हो जाए हाँ लेकिन इन्हें एक दो चांद रात की भी तो होनी चाहिए ना आप लोग तो कहते हैं कि आठ आठ दिन छुट्टियाँ ही रहे हैं पूरा वीक छुट्टियाँ नहीं बल्कि स्कूल बंद ही रहे हैं ना नहीं वैसे एक जनरल बात कर रही हूँ क्योंकि आ गई जो सारी ताक रातें हैं वो हमारे स्कूल ओपन नहीं थे उन दिनों में लास्ट ताक रात पे तो वैसे छुट्टी देनी चाहिए थी न लेकिन चलें खैर जो अल्लाह को मंजूर और जो आप लोग बताएं कि आपकी इतनी शॉपिंग जो है वो हो गई है क्योंकि हमारी जो है ना अभी नहीं हुई हो सकता है हम जो है ना आज या कल कर लें खैर वैसे जो स्टिच होने के लिए कपड़े मामा ने दिए थे टेलर को वो तो स्टिच होकर हमारे आ गए हैं तो हम तो फिर रेडीमेड ही जो है ना वो अपने लेंगे कपड़े है ना मामा हाँ वो ये कि आप लोग की शॉपिंग के लिए तो जाना था लेकिन आपके बाबा को जो टाइम मिलता सुबह जाते हैं तो फिर अफ्तारी के टाइम आते हैं और उसके बाद अभी रोज़ा खोलते हैं नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं चाय शाय पीते हैं तो माशाला इशा के साथ स्टार्ट हो जाते हैं फिर यह कि त्रराफियाँ पढ़नी होती हैं शाह की नमाज़ पढ़नी होती है जिसकी वजह से टाइम ही नहीं मिल रहा ना तो यहाँ पर जी जो मामा ने कपड़े स्टिच होने के लिए दिए थे वो स्टिच होकर आ गए थे उनमें से ये जो पहला पिंक वाला ड्रेस है ना वो मामा प्रेस रही हैं आज जो ना हम जा रहे हैं इफ्तार दावत पर तो जो बाकी के ड्रेसेज हैं ना वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी तो ये जो इफ्तार दावत है ना जी रमज़ान की हमारी पहली और आखिरी इफ्तार दावत है किसी के घर में <laughs> नहीं तो मैं आप लोगों को रोज़ इतने मज़े के खाने खिलाती हूँ रोज़ आप लोगों की दावत होती है घर हाँ में। मैं नहीं नहीं मैं तो वो बात कर रही हूँ माशा आप हमें इतने मज़े मज़े के खाने खिलाती हैं और फिर जो बाबा है उनके साथ हम जो इतनी बार बार के खाने हमने खाए हैं इफ्तार टाइम भी और अफ्तार के बाद भी मैं तो एज अ गेस्ट बात कर रही हूँ जो कि हम इन्वाइटेड है किसी के घर अफतारी पर ना लेकिन मामा तो ना इन्हें भी मना करी थी कि आप ना रहने दें लेकिन ये कि मेरे भाई और आप ही ने ना फोर्स किया था नहीं नहीं आप ना ज़रूर आए और क्योंकि आजकल वेदर भी बहुत चेंज है तकरीबन सबके गला ख़राब है मेरे खुद इतना ख़राब था मैंने तो ये मेडिसिन खाई तो काफ़ी बेहतर है तो चले खैर अब हम लोग जो है ना तैयार श्यार होके अब हम जा रहे हैं अफ्तारी पर तो साथ ही जी हम लोगों ने ना पुप्पो के घर भी जाना था उन्हें ईदी देने के लिए तो बाबा ने उनके लिए भी कोल्ड ड्रिंक पर्स जो है ना वो रख लिए थे तो यहाँ पर देखिए जी जो सन है वो कितना प्यारा लग रहा है और बस थोड़ी देर में ना अजाने होने लगी हैं तो मामा कह रही थी कि देखिए आज ना आ, हम बाबा की वजह से लेट हो गए थे क्योंकि वो ना थोड़ा घर में लेट आए थे लेकिन खैर जो है हम ना टाइम पर तकरीबन पहुँच ही गए थे साथ ही जी मेरे कज़न का भी फ़ोन आ गया था कि किधर है आप लोग आ, तो हमने उन्होंने कहा कि हमने ना गाड़ी पार्क कर ली बस हम आ रहे हैं अभी हम आए थे, थे थे कुछ ही मंच में न अजानी हो गई थी और रोज़ा जो है हम सब अफ्तार कर रहे हैं अल्लाह का शुक्र है कि हा टाइम पर आ गए थे तो हम अभी घर में आए थे तो दस्तर खान जो है ना उन्होंने सेट कर दिया था और साथ जो है ना मेरी यहाँ कर रही थी तो मिलते गिलते जो अभी हम आके बैठे थे, थे दस्तर खान पर के अजाने जो है ना स्टार्ट हो गई थी तो सब जो है ना मिलके रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं ये कि हम ना आते आते लेट हो गए थे साड़ी पे हाँ हमेशा की तरह और वो भी तुम्हारे बाबा की वजह से हाँ <laughs> और ये बात तो सबको पता है कि जी हम लोग जब भी लेट होते हैं ना तो मेरे हस्बैंड की वजह से लेट होते हैं पता नहीं क्यों हालांकि अपनी तरफ से बड़ी कोशिश करते हैं कि वो जल्दी जल्दी तैयार होकर कहीं जाएँ लेकिन वो जनाब लेट हो जाते हैं हाँ उनकी स्पीड जो है ना शायद स्लो है हालांकि जब काम करते हैं तो फटाफट करते हैं लेकिन एक अलमदिल्ला हम, हम सब की स्पीड अच्छी है मेरी मामा भी इतना टाइम नहीं देती तैयार होने में और हाँ, हम लोग भी और हम लोग जब घर से निकले ना तो उस वक्त हम सब गाड़ी में थे और जनाब तुम्हारे बाबा जो थे ना वो ऊपर तैयार हो रहे थे हम लोग नीचे से हॉर्न कर रहे थे तो प्लीज़ नीचे उतर आए टाइम रह गया थोड़ा सा रह गया ये ना हो कि जो रोज़ है वो गाड़ी में हम लोग इफ्तार करें ना हाँ और साथ ही जो यहाँ पर खाना भी बहुत मजे का था मैंने में जी स्प्रिंग रोल थे समोसे थे दही बल्ले थे क्रीमी फ्रूट चाट थी फ्रूट्स थे साथ में डेट्स थी और साथ में जो चिकन कढ़ाई रोटियाँ थी और बिरयानी थी और साथ में जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सेक्ट्रा सेक्ट्रा सब कुछ भी बहुत मजे का था मैंने जो है ना स्प्रिंग रोल्स ट्राई किए थे मुझे तो वो भी बहुत अच्छे लगे थे और चिकन बिरयानी भी हाँ वाकई हर चीज़ बहुत ही मज़े की थी और जो भी चीज़ मोहब्बत से प्यार से चाहत से बनाई जाए वैसे भी बहुत मज़े की बनती है तो अल्लाह उनकी अफ़ारी जो है वो अल्लाह कबूल करे और अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में तंदरुस् में सेहत में कमाईयों में बरते डाले और माशाल्लाह से सब बहुत मज़े का था हमने अपने मैंने अपने बहनों को बहुत मिस किया जो कि बायर थे खैर उन्होंने वीडियो कॉल किए और उनसे फिर बातचात की और वो बड़े खुश हो रहे थे वो भी ना कि आप लोग इधर हैं और मैंने आप लोग Uh, कि वो इधर नहीं है क्योंकि वो माशाल्लाह से सौदिया में थे तो यहाँ पर जी खाना सब ने खाया माशाल्लाह से उसके बाद फिर हम लोग ने नमाज़ पढ़ी हाँ और जब हम दस्तरखान से होते ना तो आप भी कहते हैं आप लोगों ने तो कुछ भी नहीं खाया हमने कहा बस हम फुल हो गए हैं तो खैर जी साथ ही हम लोग नमाज वगैरह पढ़ी और यहाँ पर जो मेरी आपियाँ थी इन्होंने फटाफट से बर्तन उठाए और साथ ही जो ना ना वॉश वॉश करने लग गई मैं से देखो आप ही ने हमने अभी खाना खाया तो आप आपी आपी शुरू कर दी है बर्तन ये देखो ये काम सही है और घर में ये मेरी बच्ची ना मुझ पर छोड़ देती हैं सारा काम और साथ ही देखिए मामा हमारी जो ना गलतियाँ निकालने लग गई हैं हैलतियाँ नहीं निकाल रही बल्कि मैं तो आप लोग को समझा रही हूँ ना कैसे कहते हैं कि देखे माशाल्लाह से जो काम है ना फटाफट से अपने कंप्लीट करना और यह बस रहा फातमा हमेशा की तरह लेजी है और वो सुस्त हो होकर तब अभी वज़ू कर रही थी और वज़ू करने के बाद फिर उसने नमाज पढ़ी तो मैं वीडियो बना रही थी अपनी भतीजियों की तो वो हम वो खुश हो रही थी आंटी आप हमारी वीडियो बना रही हैं तो मरिया मुझे कह दी आंटी आप हमारी फ्रेंड से वीडियो बनाए ना मैं हाँ ताकि तुम्हारे जो हस्बैंड ना मुझे कह के आंटी आपने मेरी बेटी बिशेज को यूट्यूब पर ले आई हैं और सब सारे हम लोग उधर हंस रहे थे मैं क्या चलो मैं ये दिखाती हूँ कि देखो तुम कितनी सलीके वाली हो और कितनी काम शाम करती हो हालांकि वो भी गेस्ट थी ना हमारे साथ हम भी इनवाइटेड थे वो भी इनवाइटेड थी और यहाँ पर जो बाद फिर चाय बन गई और माशाल्लाह से सब चाय को इन्जॉय कर रहे हैं मैं इसे कहती कि तू मेरी वीडियो नहीं वॉश करती कहती आंटी मैं आपकी वीडियो वॉश करती हूँ आजकल हमारा नेट खराब हुआ है इस वजह से मैं कह नहीं वीडियो वॉश किया करके ना तो अच्छे अच्छे से कमेंट भी किया करो <laughs> <laughs> और फातमा भी हंस रही है चाय बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी और रमज़ान के बाद जब माशा से पता आपको रोज़ा खोलते हैं तो दिल करते हैं और कुछ करें ना करें चाय का एक कप ज़रूर पी लें क्योंकि जब चाय का एक कप पी लें ना तो फिर ऐसे सारी थकावट उतर जाती है और फिर इशा के लिए ना बंदा ऐसे बड़ा फ्रेश सा हो जाता है हाँ है जी भी नमाज़ पढ़ी अलहमदिल्ला हम लोगों ने खुराने पाक पढ़ा अलहमदुल्ला और मेरे हस्बैंड जो थे और मेरे भांजा जो था वो शॉपिंग करने के लिए चले गए और साथ में मेरा बेटा भी तो है हम लोगों ने तो घर वापस आ जाना ना था लेकिन वो लेट हो गए उनकी जो गाड़ी थी ना उनका उसका टायर पेंचर हो गया था तो उससे पहले ये कि हम लोग चले गए थे शॉपिंग करने के लिए क्योंकि बच्चों की भी शॉपिंग नहीं की थी तो मेरी भतीजी कह रही थी चले आए आंटी मैं आपका ये काम जो है ना उसको तो कंप्लीट करूँ ये बच्चों की शॉपिंग हो जाएगी और आपका ये काम टाइम जो बच जाएगा अरे उसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे वो मेरे साथ गई और हम लोगों ने शॉपिंग की हम लोग शॉपिंग करके जनाब आ गए थे लेकिन मेरे हस्बैंड वो तो बिल्कुल एन वो सैरी के टाइम आया थोड़ी देर पहले मैं क्या इतनी लंबी तुम लोगों ने शॉपिंग कर ली हो मेरा भांझा हाँ सर कहता था, था आंटी कुछ ना पूछो इतने हम लोग उधर ख़राब हुए हैं ना वहाँ पर तो ये देखे बेचारा भी आके बस बैठा और कहता नींद भी ऊपर फुल आ रही है और जना वो हंस रहा हैं बातशाह कर रहा है अगर सुनाओ ना मैं आपको इनकी तो आप बड़ा हंसे कह था उधर मैं कह था कि हमें कोल्ड ड्रिंक दे दें तो वो सेंटर वाले कहते हैं नहीं जी शॉप्स शॉप ऑफ हो गई है तो कोई कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगी और आप कहता था कि मैंने सैरी में ना कोल्ड ड्रिंक पीनी है उसकी मामा उसको मना करती कि है क्यों कोल्ड ड्रिंक क्यों पीनी है कोल्ड ड्रिंक नहीं पियो कह रहे नहीं जी कोल्ड ड्रिंक तो मैं लाज में पीऊंगा तो वैसे ही मेरा बेटा साथ में वो भी मस्तियों में था कुछ शॉपिंग की हुई थी आपको पता शॉपिंग की हुई थी तो वैसी मस्तियाँ चढ़ जाती हैं बंदे को खुशी की और कुछ जैसे सामने कोल्ड ड्रिंक थी तो वो देख के खुश और थे और ये जी फातमा पराठे लेके आ रही है साथ में चिकन का सालन था साथ में अंडे फ्राई वगैरह किए हैं दही था अलहिला सब ने हम लोगों ने बड़ा इन्जॉय किया शहरी भी वहीं पर की सारी रात जागते रहे खूब अल्लाह का शुक्र है इबादत भी की गप्पे शप्पे भी की लगाई और उसके बाद फिर चाय पी और सबसे बड़ी बात है कि कल जना मैं तीन कप चाय पी है एक कप चाय के बाद मैंने चाय पी पिया उसके बाद जब शॉपिंग करके वापस आई हूँ तब चाय पिया और जनावे अब शहरी पर भी, भी चाय पी रही हूँ और मैं तो चाय पी पी के खुश हो रही थी ये देखिए इतनी मज़े की चाय है और माशाला से मेरी भांजी जो है वो बहुत मज़े की चाय बनाती है है जी और सब बैठे हुए हैं गपशप कर रहे हैं और मेरे हस्बैंड थे वो उन्होंने फर्स्ट टाइम वो भी जनाब सैरी में कोल्ड ड्रिंक पी थे मैं क्या है ये है ना कहते हाँ उधर हम लोग इतना थक गए थे मैं पानी नहीं था मिल रहा और साथ में कोई कोल्ड ड्रिंक थी सब जो शॉप्स थी बाद में बंद हो गई थी है जी वह बसरी की नमाज़ पढ़ी सबने और अल्हम्दुलिल्लाह बातें शादी करने के बाद ये सुबह सुबह हम लोग निकल आए हैं घर की तरफ मैं क्या सोएंगे जाके घर ताकि रिलैक्स रहें और फिर मज़े से आराम से उठें तो ये था जी हमारा आप आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा आपने अपने प्यार का बहुत ख्याल रखिएगा शॉपिंग इंशाल्लाह हम लोग ने क्या किया आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी तो याद रखिएगा अल्लाह